हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस वर्ल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग हेडर, फुटर और पेज नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको हेडर फुटर कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में और हेडर फुटर के ग्रुप में। ठीक है, हेडर ये है, फुटर और पेज नंबर। देखिए, हेडर क्या होता है? हेडर होता है हेडिंग डालने के लिए। आपने जैसे इस पेज पे हमने ये काम किया है, अब इसकी हेडिंग क्या होगी? तो डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेडर लिख के आ गया। आप जब भी पेज में ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर लिख के आ जाएगा। ठीक है, और हेडर फुटर करता क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ऊपर हेडर है, नीचे फुटर आ गया, पर ये ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग लिख सकते हैं, पर जो हेडर फुटर का ऑप्शन है और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, नीचे बीच में क्लिक कर देंगे तो हेडर फुटर हट जाएगा। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं। देखिए, ये हेडर है। अब यहाँ पे आपको कई प्रकार के हेडर दिए हैं कि आप कैसा हेडर चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे और वैसा ऐड हेडिंग टू योर डॉक्यूमेंट। देखिए, अब ये पेज नंबर के साथ आया है हेडर। ठीक है, तो ऐड अ हेडिंग टू योर डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अपने हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और ये फुटर है। तो ऐसे हम लोग हेडर और फुटर को इंसर्ट करते हैं। आपको हेडर कई प्रकार के दिख रहे होंगे, आप जो भी क्लिक करेंगे वो हेडर अप्लाई हो जाएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट टाइटल आप यहाँ दीजिए और यहाँ पे डेट दे दीजिए, तो ये हेडर हो गया। और भी हेडर में कई प्रकार के हेडर दिए हैं। आपको हेडर एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और उसके बाद एक डिज़ाइन टैब ओपन होगा, इसमें जाके आप हेडर अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहले पेज के लिए डिफरेंट, या सम विषम के लिए अलग अलग, ऑड और इवन के लिए, तो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हमने हेडर देख लिया। फुटर क्या होता है? फुटर होता है पेज के नीचे। ठीक है, फुटर भी कई प्रकार के दिए हैं। मान लीजिए हम इसमें से चुन लेते हैं ये वाला। देखिए, चुन लिए तो फुटर आ गया। फुटर में क्या, जैसे लोग कभी कभी किसी वर्ड की मीनिंग उनिंग लिख देते हैं नीचे, तो वो फुटर में आ गया, हेडर में ये हो गया आपका। इसको भी आप डिज़ाइन टैब में जाके खुद ही एडिट करके बना सकते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर, तीसरा पेज नंबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पर वर्ल्ड में क्या होता है? देखिए, अब पेज नंबर भी क्या है, टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर रहेगा ये रहेगा लेफ्ट में, फिर मिडिल में, फिर राइट में। ठीक है, ये भी आपका लेफ्ट में है, मिडिल में है, राइट में है। अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। अगर हम इसको चुनते हैं तो देखिए आ गया मिडिल में, पेज वन ऑफ वन, पहले का पहला, तो ये फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, अब मान लीजिए और भी इसमें पेज नंबर दिए हैं अलग अलग प्रकार के, फिर आएंगे आप देख सकते हैं ये क्या है, बॉटम में सेम उसी तरह लेफ्ट, मिडिल और राइट में। ये क्या है, मार्जिन है, ये मार्जिन पे रहेगा हमेशा। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, करंट पोजीशन। आप जो पोजीशन चाहते हैं वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट किया, अब ये रेक्टेंगल में है पेज वन, तो ये यही रहेगा। ठीक है, हमने क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट हमने चुना था। उसके बाद आप फुटर लिखिए, अपनी हेडिंग लिखिए और अपना काम खत्म कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।